So, यहां तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज अनऑथोराइज एक्सेस अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैकिंग हैकिंग का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स के ऐसा क्राइम कि जिसके अंदर हैकर कोई डैमेज करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराने के लिए या फिर फ्रॉड करने के लिए राइट right, कंप्यूटर को यूज करता है आफ्टर गेनिंग अनऑथोराइज कंट्रोल ऑब्वियसली ऑथोरिटी होगी तो वो क्राइम नहीं करेगा राइट अनऑथोराइज कंट्रोल गेन करता है अनऑथोराइज कंट्रोल लेता है पहले तो विक्टिम के कंप्यूटर का राइट right? और वो कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए या फिर स्पाई करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए या फिर कोई और फ्रॉड करने के लिए राइट right? वो एक्सेस करता है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन लेता है तो उसे हम हैकिंग कहते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एबीसी बंदे को क्राइम करना है लेकिन उसे आता नहीं है हैकिंग तो वो क्या करेगा वो कोई और पर्सन को हायर करेगा कि जिसे ये हैकिंग आता है राइट देन दैट इज ऑल्सो टर्म एज हैकिंग उसे भी हम हैकिंग ही कहेंगे दो एबीसी बंदे को क्राइम करना था लेकिन उसे नहीं आता था तो उसने कोई और पर्सन को बोला राइट सो वहां पे भी वो एबीसी बंदा भी वहां पे क्रिमिनल कहलाएगा राइट सो द थिंग इज दैट हैकिंग हम किसे कहेंगे ओब्वियसली इट इज अ क्राइम कि जिसके अंदर ऐसा पर्सन होता है हमें जिसे हम जिसे हैकर कहते हैं राइट right? कि जो कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए या फिर स्पाई करने के लिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन लिए फ्रॉड करने के लिए राइट विक्टिम के कंप्यूटर right? को का अनऑथराइज कंट्रोल लेता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर क्राइम करता है राइट दैट इज नोन एज हैकिंग नाउ द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट नाइनटीन नाइनटी यूएसए में राइट right? जो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट है वो हैकिंग को प्रोहिबिट करता है मतलब हैकिंग से प्रोटेक्शन देता है लाइकवाइज इंडियन पैनल कोड के अंदर सेक्शन 65 और 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000, वो भी हमें हैकिंग से प्रोटेक्ट करता है मीन उसके अंदर लॉ लिखा गया है पनिशमेंट लिखी गई है कि अगर हैकिंग होता है राइट right? हमारी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को हैक करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा

उसने है ना टू डिफरेंट डेफिनेशन दी थी बट इट वॉज डेफिनेशन हम उसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं कह सकते बिकॉज हैकर एक टाइप के नहीं होते हैं देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर एस रेमंड ने 1993 में हैकर को डिफाइन किया था इन टू डिफरेंट वेस फर्स्ट अ पर्सन गुड एट प्रोग्रामिंग क्विकली ओके okay, ऐसा बंदा के जिसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग आ रहा है और वो वो बहुत ही फास्टर मैनर में प्रोग्रामिंग कर सकता है एस रेमन ने उसे हैकर डिफाइन किया था राइट right? सेकंड उसने उस हिसाब से भी हैकर को डिफाइन किया था कि ऐसा पर्सन कि जो कंप्यूटर सिस्टम या फिर प्रोग्रामेबल सिस्टम की डिटेल्स को एक्सप्लोर करने में उसे मजा आता है राइट right? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसे वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने में मजा आता है राइट right? एंड उसके रिलेटेड उसे मतलब दैट पर्सन टू लर्न ओनली मिनिमम नेसेसरी राइट वो सिर्फ जो भी चीज जरूरत है उतनी ही वो सीखना चाहता है ऐसे बंदे को एस रेमन ने हैकर कहा था दैट इज द सेकेंड वे अगेन आई रिपीट ऐसा कोई पर्सन कि जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है या फिर प्रोग्रामेबल सिस्टम है उसकी डिटेल्स को एक्सप्लोर करने में उसे समझने में उसे बहुत मजा आता है या फिर उसकी कैपेबिलिटी को जानने में कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम कितनी सिक्योर है राइट उसकी कैपेबिलिटी को जानने में उसे बहुत मजा आता है राइट और उस, उसके रिलेटेड वो बहुत ही मिनिमम ने इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना भी चाहता है उसे एस रेमंड ने हैकर कहा था इन 1993, राइट बट वी कैन से लीगल मीनिंग ऑफ हैकिंग क्या है ऑब्वियसली इट इज एसोसिएटेड विद द एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि हैकिंग क्या है वहां पे अनऑथोराइज कंट्रोल अनऑथोराइज एक्सेस वर्ड आएगा ही राइट right? So, कोई भी बंदा जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का अनऑथोराइज एक्सेस गेन करता है या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई डेटा है उसे मॉडिफाई करता है अल्टर करता है या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को डिलीट कर देता है राइट right? मतलब कोई भी ऐसा क्राइम करने के लिए अगर कोई पर्सन अनऑथोराइज एक्सेस करता है तो ये पूरा एक्ट ये जो पूरा क्राइम होता है उसे हम हैकिंग कहेंगे राइट right? करस राइट दट इज कोड हैकर है क्रैकर है साइबर पंक्स है एथिकल हैकर बाई वन हम ये टाइप्स ऑफ हैकर देखते हैं फर्स्ट टाइप इज कोड हैकर मतलब ऐसा पर्सन की जिसके पास कंप्यूटर रिलेटेड इनसाइड आउट मतलब पूरा नॉलेज है राइट right? एंड वो कंप्यूटर के पास कोई भी चीज करवा सकता है ऐसे बंदे को हम कोड हैकर कहेंगे अगेन आई रिपीट ऐसा बंदा के जिसके पास कंप्यूटर रिलेटेड पूरा नॉलेज है और वो कंप्यूटर के पास कोड लिख के कोई भी चीज करवा सकता है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बैठे-बैठे आपके कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकती हूं राइट सो ऐसे बंदे को हम कोड हैकर कहते हैं राइट सेकंड इज क्रैकर मतलब ऐसा बंदा कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करता है वैसे बंदे को हम क्रैकर्स कहेंगे अगेन आई रिपीट ऐसे पर्सन के जो कंप्यूटर सिस्टम और उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं ताकि वो उसके अंदर एंटर कर सके राइट वैसे पर्सन को या फिर वैसे बंदे को हम क्रैकर्स कहेंगे राइट साइबर पंक्स cyberpunks. Cyberpunks का मीनिंग ये होता है दे आर मास्टर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन पब्लिक की प्राइवेट की सीक्रेट की कोई भी चीज उसे दे दो वो उसमें से सोलूशन निकाल ही देगा राइट दैट इज मास्टर ऑफ क्रिप्टोग्राफी दो प्रीकर के पास बहुत ही इनडेप्थ नॉलेज होता है किसके रिलेटेड इंटरनेट और जो भी टेलीकोम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है राइट वो दोनों नॉलेज को कंबाइन करके हैकिंग करता है वैसे बंदे को हम प्रीकर्स कहेंगे। अगेन आई रिपीट उनके पास जो इंटरनेट और टेलीकोम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है वो उसे कंबाइन करके हैकिंग करते हैं, राइट वैसे बंदे को हम कहेंगे राइट एंड द लास्ट टाइप ऑफ हैकर इज एथिकल हैकर एथिकल हैकर मतलब स्टूडेंट ऑब्वियसली दे आर हैकर लेकिन वो कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को हैक इसीलिए करते हैं बिकॉज उन्हें जानना है कि ये कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी में कहां पे है, कहां पे है, है, ये कंप्यूटर सिस्टम के ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कहाँ पे वलनरेबिलिटीज है कहाँ पे मिस्टेक uh, है या फिर हम कह सकते हैं कि कहाँ से कोई हैकर एंटर कर सकता है ऐसे रास्ते ढूंढने के लिए एथिकल हैकर्स खुद वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हैक करने की ट्राई करेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की ट्राई करेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने की ट्राई करेंगे मीन्स वो अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं ताकि वो वल्नरेबिलिटीज को बता सके राइट right? ऐसे हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स कहेंगे मीन्स दे आर गुड गाइड राइट दे आर वेरी गुड पर्सन लेकिन वो एक्सपर्ट है इन हैकिंग और वो कंस्ट्रक्टिव वे में वो अपना नॉलेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो मैंने बोला ऑब्वियसली वो लोग वो लोग के पास भी बहुत नॉलेज है लेकिन वो लोग डिस्ट्रक्टिव वे में अपना नॉलेज यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो एथिकल इसीलिए वहां पे वर्ड यूज हुआ है एथिकल राइट एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में अपना नॉलेज यूज करके हैकिंग करते हैं वो भी इसलिए ओब्वियसली ओनर की परमिशन के साथ फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन e है बहुत सारे सर्वर है, है कहाँ से सिक्योरिटी right? ब्रेक हो सकती है तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग ये एथिकल करेंगे ये एथिकल हैकर्स के पास परमिशन होगी वो लोग ये सारे सर्वर्स को कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क को हैक करने की ट्राई करेंगे ताकि उसमें जो वीकनेस है है, वो बता सके कि यहां या, ये ये जगह से हैकिंग हो सकता है राइट ऐसे बंदे को हम कहेंगे एथिकल हैकर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अंकित फाड़िया है डॉक्टर नेहरूकर है ये जो दो बंदे हैं, दे आर एथिकल हैकर राइट वो को, मतलब कोई भी सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करना है राइट right? और वो सिक्योरिटी को टेस्ट करके वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में वीकनेस है कि जहां से हैकिंग हो सकता है राइट right? वो हैक करके एडवांटेज नहीं लेते हैं लेकिन वो रिपोर्ट बना के देते हैं कि यहां यहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है राइट right? ओके okay. कि वो कहां-कहां से हैकर पेनिट्रेट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसीलिए हम एथिकल हैकिंग को पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहेंगे उसे इंट्रूशन टेस्टिंग भी कहेंगे इंट्रूशन का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया इन क्रिमिनल ट्रेस राइट right? के कोई भी बंदा कोई भी पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर जाता है तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर एज अ प्रॉपर्टी लेना है राइट दट इज इंट्रूशन टेस्टिंग और इसे हम रेड टीमिंग भी हैकर्स अगेन आई रिपीट एथिकल हैकर्स आर गुड हैकर एंड दे आर नोन एज वाइट हैकर्स

हैकर्स आर बिकमिंग अनकंट्रोलेबल, राइट हम कोई भी मतलब हम कभी भी कहीं पर भी सिक्योरिटी ला देंगे वो लोग उसका मतलब सोल्यूशन निकाल ही देंगे उसमें भी वो लोग वलनरेबिलिटी ढूंढ ही लेंगे राइट right? मतलब ये सिचुएशन को कोप अप करना मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट दिन ब दिन हैकर बढ़ते जा रहे हैं दो वी आर अपग्रेडिंग अवर टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी देने की ट्राई करते हैं बट स्टूडेंट्स हैकर कहीं ना कहीं से वो कितनी भी सिक्योर सिस्टम हो वहां पर वलनरेबिलिटी ढूंढ ही लेते हैं राइट दैट्स वाई इट इज रिटर्न ओवर हियर दैट दे आर अनकंट्रोलेबल राइट सो so, अगर हम हैकर जनरली अगर अच्छी वे में डिफाइन करें हुन लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप मतलब एक्सपर्टीज के साथ अगर वो लोग कोई काम करते हैं एंड ऑब्वियसली फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज राइट एंड दे आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स सो ऐसे बंदे को हम कहेंगे hackers. उनके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी काम कर सकते है बट दैट दे आर है डिस्ट्रक्टिव वे दे आर नॉट यूजिंग द नॉलेज इन अंस्ट्रक्टिव वे राइट दैट्स वाई दे आर टेक्ड एज है दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज फोर पॉइंट टू पॉइंट वन अनऑथोराइज एक्सेस एंड जिसके अंदर हमने देखा वॉट इज अनऑथोराइज एक्सेस वॉट इज है हमने देखी राइट ओके नाउ इसके बाद टॉपिक है टॉपिक फोर पॉइंट टू पॉइंट टू राइट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे